नमस्कार दोस्तों, भारतीय रेल बिहार के रेल यात्रियों को बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। जी हां, बिहार में अब बुलेट ट्रेन चलेंगी, जो कि महज 4 से 5 घंटे के अंदर बिहार से दिल्ली की दूरी तय कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर बिहार के पटना से कब चलेंगी बुलेट ट्रेन और इस बुलेट ट्रेन की स्पीड क्या होने वाली है। क्या है पूरी जानकारी जानेंगे इस वीडियो के अंदर विस्तार से। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से पटना होते हुए कोलकाता के लिए बुलेट ट्रेन का परिचालन होगा। बिहार में बुलेट ट्रेन का स्टॉपेज पटना, गया और बक्सर होने वाली है। 750 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक फुली एलिवेटेड होगा। बिहार में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सर्वे काम पूरा हो चुका है। एलिवेटेड ट्रैक पर 350 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राजधानी पटना में इसको लेकर नया स्टेशन बनेगा। यह रेलवे स्टेशन या तो भीटा में या पटना एम्स के पास बनेगा। तीन जगह का नाम प्रस्तावित किया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार यह ट्रैक वाराणसी से बक्सर होते हुए एलिवेटेड ट्रैक पटना तक बनेगा। पटना के बाद वह गया की ओर जाएगा, गया से फिर हावड़ा तक बनाया जाएगा। बताते चले कि नई दिल्ली से लखनऊ होते हुए वाराणसी पहला रूप होगा और इसके बाद वाराणसी से पटना, गया, आसनसोल होते हुए दुर्गापुर और हावड़ा तक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। हाई स्पीड ट्रेन शुरू करने का मकसद प्रमुख राज्यों की राजधानियों और धार्मिक स्थल को जोड़ना है, इसलिए उसी के हिसाब से रूट तैयार किया जा रहा है। कम समय में ज़्यादा दूरी तय करने के उद्देश्य से जापानी तकनीक पर आधारित रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना से दिल्ली के लिए बुलेट ट्रेन का परिचालन 2024 से शुरू कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बिहार वालों के लिए, जो अब बुलेट ट्रेन में सफर कर सकेंगे, वो भी महज 4 से 5 घंटों के अंदर। तो बिहार के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो आज के इस वीडियो में इसी अपडेट को लेकर जानकारी देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।